जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के एक मेन मुख्य इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है परागण, पॉलिनेशन। गाइस या बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, परागण क्या होता है, परागण के प्रकार क्या होते हैं, कि परागण में किसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। इन सब क्वेश्चन जो होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइस आइए हम लोग जानते हैं परागण क्या होता है। तो गाइस परागण वह होता है, परागण वह प्रक्रिया है जिसमें एक पुष्प के पराग कोष से मुक्त परागकण उसी पुष्प या किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे परागण कहते हैं। गाइस केवल इसमें जाना है वहाँ पर, ये नहीं कि जा करके संलयन की क्रिया पूर्ण करते हैं, तब तो फर्टिलाइजेशन भी उसमें आ जाएगा। परागण का मतलब है कि जैसे मान लीजिए यह कोई पुष्प है, यह कोई पुष्प है और यह कोई पुष्प है, यह एंथर और यह स्टिग्मा। तो गाइस परागण का मतलब है कि यहाँ से मुक्त परागकण या इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। ये नहीं कि जाकर संलयन की क्रिया को पूर्ण करते हैं, नहीं गाइस, केवल इसका परागण में केवल यहाँ तक पहुँचना है, ना कि संलयन की क्रिया पूर्ण करना। तो गाइस एक बार फिर से, परागण वह प्रक्रिया है जिसमें पराग कोष से मुक्त परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक आने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। तो गाइज आप लोग जान गए परागण। अब परागण कितने प्रकार के होते हैं आइए हम लोग ये जानते हैं। तो गाइज परागण दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। गाइज एक और होता है कृत्रिम परागण, यह एक विशेष उद्देश्य को लेकर बनाया गया है, तो हम लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग केवल बात करने वाले हैं परागण के मुख्य टॉपिक के बारे में। तो इसमें स्वपरागण व परपरागण है। तो गाइस अब स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण वह प्रक्रिया है जिसमें एक पुष्प के पराग कोष से मुक्त परागकण। गाइस ये सभी परागकण है, ये सभी परागकण है और यह है वर्तिका और यह है पराग कोष। तो गाइस आइए, स्वपरागण वह प्रक्रिया है जिसमें पराग कोष से मुक्त परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। गाइस फिर एक बार फिर से, स्वपरागण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पुष्प के पराग कोष से मुक्त परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। अब गाइस आइए परपरागण को देखते हैं, किसी पुष्प के पराग कोष से मुक्त परागकण, किसी पुष्प के पराग कोष से मुक्त परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। गाइस एक बार फिर से, परपरागण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पुष्प के पराग कोष से मुक्त परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। तो गाइस आशा करते हैं आप लोगों को स्वपरागण व परपरागण का डिफिनेशन समझ में आया होगा। तो गाइस अब आइए, यहाँ पर कुछ टॉपिक है स्वपरागण परपरागण के बारे में, आइए ये जानते हैं। तो गाइस जिसमें पहला है एक पादप की आवश्यकता होती है। हाँ गाइस जो स्वपरागण होता है इसमें केवल एक पादप की आवश्यकता होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें केवल इसी पुष्प के पराग कोष से मुक्त परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आएगा, किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर तो जाएगा नहीं।
तो इसमें केवल एक पुष्प की आवश्यकता होती है। अब गाइस आइए क्रॉस पॉलिनेशन में देखते हैं, तो दो पादप की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि गाइस यह पर परागण है, इसमें एक पुष्प के पराग कोष से मुक्त परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग पर जाते हैं, इसलिए इसमें दो पादप की आवश्यकता होती है। अब गाइस जाइए फिर से हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन में चलते हैं। दूसरा है माध्यम नहीं, मतलब इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि गाइस इसमें यह जो पराग कोष से मुक्त परागकण है इसी पुष्प के स्टिग्मा पर आएगा, तो इसमें माध्यम की आवश्यकता है नहीं। क्योंकि गाइस जब पराग कोष से परागकण का स्फुटन होगा तो यह ऊपर रहेगा पराग कोष और यह नीचे चला आएगा, वर्तिकाग पर चला आएगा। गाइस यह भी नेचर के द्वारा बनाया गया कितना अच्छा है कि यहाँ पर देखिए वर्तिका है, यहाँ पर पराग कोष है ताकि मुक्त परागकण यहीं पर आए। ये भी गाइस कुदरत का क्या करिश्मा है। अगर ये ऐसा होता यहाँ पर पराग वर्तिका होता, यहाँ पर पराग कोष होता, तो गाइस फर्टिलाइजेशन कैसे होता, नहीं हो पाता। तो गाइस गॉड ने भी बहुत सोच समझ के इसे बनाया होगा, इसीलिए इसे यहाँ नीचे है और यह ऊपर है। तो गाइस अब इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि इसमें एक पुष्प के पराग कोष उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएंगे। अब आइए फिर से क्रॉस पॉलिनेशन में चलते हैं, तो इसमें माध्यम चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कोई नहीं तो कोई माध्यम चाहिए। अब चाहे वायु हो, चाहे हवा हो, चाहे जल हो, चाहे कीट हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे चमगादड़ हो, कोई भी जीव हो, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए माध्यम चाहिए। या चाहे गाय जिसमें खुद मनुष्य क्यों ना हो, लेकिन इसमें माध्यम चाहिए। तो गाय आप लोग समझ गए। फिर अब इसमें तीसरा है परागकण कम नष्ट होते हैं। क्यों नष्ट होते हैं कम? क्योंकि गाय यहीं से इसी पर आना होता है, तो इसमें परागकण कम नष्ट होते हैं। और इसमें अत्यधिक होते हैं क्योंकि अब देखिए आप लोग यहाँ से इतने ढेर सारे परागकण आए, अब ऐसा तो है नहीं कि सब यहीं पर जाएंगे, कुछ ऐसे नीचे गिर जाएंगे, ढेर सारे जमीन पर जाकर नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि गाइस इनका जो टाइमिंग होता है वह केवल 20 से 30 मिनट तक होता है, जिसमें ढेर सारे परागकण नीचे गिर जाते हैं और इसमें भी नष्ट होते हैं गाइस, लेकिन इसकी अपेक्षा कम नष्ट होते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ढेर सारे परागकण नीचे गिर जाएंगे, कुछ ही परागकण जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर अत्यधिक परागकण नष्ट होते हैं। अब इसमें चौथा है शुद्ध बीज प्राप्त होते हैं। हाँ गाइस, क्योंकि इसमें इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं, फिर इसके पश्चात जो बीज निर्माण होता है वह एकदम शुद्ध होता है। क्योंकि गाइस केवल एक पादप है और इसमें अशुद्ध होता है। क्यों गाइस? क्योंकि मान लीजिए यह लंबा है, यह लंबा है और दूसरा पौधा बौना है, भले ही एक जात के हैं तो दूसरा बौना है, तो जो उत्पन्न संतति होगा, जो उत्पन्न पादप होगा, उसमें दोनों के गुण जाएंगे, या तो लंबा होगा या तो बौना होगा। और गाइजिया मान लीजिए अगर यह लंबा है तो इससे जो उत्पन्न पौधा नया होगा वह तो लंबा ही होगा, और अगर यह बौना है तो इससे उत्पन्न जो संतति होगा पादप वह बौना ही होगा। तो गाइज इससे शुद्ध प्राप्त होगा और इससे अशुद्ध प्राप्त होगा। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है समकाल पक्वता पाया जाता है। गाइस समकाल पक्वता क्या होता है? वह समकाल पक्वता वह अवस्था है जिसमें यह जो पराग कोष है, पराग कोष में और वर्तिका में जो होता है परिपक्वता साथ साथ आती है। जो पराग कोष है और जो वर्तिका है, इसमें जो इसके परिपक्व होने की समय दर है वह एक साथ होती है, इसलिए इसमें समकाल पक्वता का गुण पाया जाता है। और गाइस इसमें भिन्न काल पक्वता। क्यों गाइस? क्योंकि तभी तो परपरागण की क्रिया होगी। जैसे मान लीजिए इसमें यह वर्तिका पहले विकसित हुआ, पहले परिपक्व हुआ, पराग कोष विकसित ही नहीं हुआ तो वर्तिका वैसे पड़ा रहेगा। अब पराग कोष और एक अवस्था यह भी हो सकती है, वर्तिका विकसित नहीं हुआ और पराग कोष विकसित हो गया तो इससे परागकण जाएंगे किसी दूसरे पुष्प। अब इसमें जैसे हो गया, इसमें पहले वर्तिका विकसित हुआ, पराग कोष नहीं हुआ, तो गाइस अब इससे जो है पराग कोष परागकण इस पे चले जाएंगे, तो यह भिन्न काल पक्वता हो गया। भिन्न काल पक्वता में
दोनों पुष्पों में से एक का वर्तिकाग्र विकसित नहीं होगा और दूसरे का वर्तिकाग्र विकसित होगा, एक का परागकोश विकसित होगा दूसरे का परागकोश विकसित नहीं होगा, तो इसमें भिन्न काल पक्वता का समय पाया जाता है। गाइज नेक्स्ट है, इसमें सभी पुष्पी पादप आते हैं, इसमें भी पुष्पी पादप आते हैं। क्यों गाइज? पुष्पी पादप में स्वपरागण व परपरागण की क्रिया दोनों संपन्न होती है। तो गाइज अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।